दोस्तों, अगर आपका भी फेवरेट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखें। जितना संघर्ष महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जिंदगी में किया है, शायद ही किसी और क्रिकेटर ने इतना संघर्ष किया होगा। रांची के एक सुदूर गांव में पैदा हुए महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े। अपने पिता की थोड़ी सी आय में परिवार का लालन पासन ही बड़ी मुश्किल से होता था। जवाहर विद्या मंदिर में स्कूली पढ़ाई करते हुए महेंद्र सिंह धोनी स्पोर्ट में भी काफी अच्छे थे। बैडमिंटन और फुटबॉल उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन जब से उन्होंने क्रिकेट का बैट थामा था, क्रिकेट ही उनकी साथी बन गया था। लेकिन अपने पिताजी की छोटी सी आय में कोई अच्छा क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना और बढ़िया ट्रेनिंग लेना उनका एक सपना ही था। जैसे तैसे मोहल्ले के लड़के उन्हें इस शर्त पर खिलाते थे कि वे सिर्फ फील्डिंग ही करेंगे और बैटिंग के लिए सबसे आखिरी में उतरेंगे। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर उनके पिता चाहते थे कि महेंद्र पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करें, लेकिन महेंद्र तो बिल्कुल ठान ही चुके थे कि वे बड़े होकर एक बढ़िया क्रिकेटर ही बनेंगे। धोनी के अलावा परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी और एक भाई भी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, उनके पिता को अपने बेटों के करियर और बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। जब भी धोनी एग्जाम्स में कम मार्क्स लाते थे तो उनके पिता उन्हें खूब डांटते थे, लेकिन इसके बावजूद भी धोनी का क्रिकेट प्रेम कम नहीं हो रहा था। उन्हें जब भी मौका मिलता था वे जमकर क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम से खेलते हुए कई मैच जिताए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वे कभी किसी क्लब में प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ले पाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो ऊपर वाला भी कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, सन 1998 की बात है जब धोनी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। CCL यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड की टीम के कोच देवल सहाय ने धोनी को CCL में क्रिकेट खेलने के लिए चुन लिया, CCL की टीम से क्रिकेट खेलने के लिए चुन लिया। दोस्तों, धोनी के लिए यह मौका किसी गोल्ड गेट से कम नहीं था और इसी शीश महल टूर्नामेंट में उन्होंने बैटिंग के दौरान जबरदस्त चौके और छक्के जड़े और फाइनल में भी सेंचुरी जड़ दी। धोनी के इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन से देवल सराह काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने धोनी को बिहार क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए काफी मदद की। जल्द ही धोनी बिहार के लिए खेलने लगे और बेहतरीन बैटिंग के चलते जल्द ही उन्हें रणजी के लिए बिहार की जूनियर टीम में जगह मिल गई। रणजी अंडर 19 कैटेगरी के टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मैच में 176 की जबरदस्त स्कोरिंग की। इसके बाद उन्होंने इसी टीम से नायडू ट्रॉफी भी खेली। दोस्तों, यहां से धोनी का क्रिकेट कैरियर शुरू हो चुका था। एक के बाद एक ट्रॉफीज खेलते रहे, लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी पिताजी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि क्रिकेट में कुछ नहीं रखा और इंडिया के लिए खेलना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन धोनी ने अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं हिलने दिया और इसके बाद वे झारखंड की टीम से भी ट्रॉफीज खेलते रहे। झारखंड के लिए खेलते हुए उन्होंने कई 50s लगाई, लेकिन दोस्तों, पिताजी के बार बार कहने पर उन्होंने स्पोर्ट कोटा से ही रेलवे में TT की नौकरी कर ली। दोस्तों, सन 2003 में धोनी को ईस्ट जोन क्रिकेट टीम से देवदार ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला और दोस्तों, उन्होंने 4 मैच खेलकर शानदार 244 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। दोस्तों, इस टूर्नामेंट के बाद धोनी का समय धीरे धीरे बदलने लगा। सन 2003 की ही बात है, धोनी जमशेदपुर में एक ट्रॉफी में शानदार चौके और छक्के जड़ रहे थे। उसी वक्त BCCI के एक मेंबर प्रकाश पोडर की नज़र उन पर पड़ गई। प्रकाश पोडर 1960 में बंगाल टीम के कैप्टन रह चुके थे। वे धोनी की बैटिंग लाइन से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने धोनी की चर्चा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी की। इसी के चलते धोनी को टीम इंडिया के जिम्बाब्वे केन्या दौरे में चुन लिया गया और इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार बैटिंग और विकेट कीपरिंग की। अच्छी बैटिंग और विकेट कीपरिंग के चलते उन्हें जल्द ही सन 2004-2005 के बांग्लादेश टूर में भी जगह मिल गई और दोस्तों, इसी के साथ शुरू हुआ धोनी एरा। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के साथ हुई ODI सीरीज में खेलने का मौका मिला और सीरीज के दूसरे मैच में ही उन्होंने 123 गेंदों में 148 रन ठोक दिए। यह एक रिकॉर्ड था किसी विकेट कीपर द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाने का। दोस्तों, इस सीरीज के बाद टीम इंडिया में धोनी की जगह पक्की हो चुकी थी
और जैसे जैसे मौके मिलते गए, एक के बाद एक 50s और सेंचुरीज का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, धोनी के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है, और इसीलिए मैं कुछ खास बातें ही शामिल कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी। टीम के सभी खिलाड़ियों से बढ़िया तालमेल और विकेट कीपरिंग और बैटिंग की बढ़िया समझ के चलते सन 2007 में T20 वर्ल्ड कप के समय पहली बार कप्तानी मिली, और सन 2011 में अपनी ही बढ़िया कैप्टेंसी के चलते उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया। वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया को श्रीलंका के 275 रन चेज करने थे, और जब धोनी पिच पर उतरे थे टीम इंडिया को हर ओवर में 6 रन की जरूरत थी, और टीम के 3 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उन्होंने गौतम गंभीर के साथ शानदार पार्टनरशिप की। ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी धोनी ने हौसला बनाए रखते हुए कुछ चौके छक्के और एक एक दो दो रन मिलाकर 60 बालों में 60 रन बना दिए, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार चौकों की बौछार कर दी और 79 बालों पे 91 रन बनाए। इसी के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने सन 2010 में अपने स्कूल की ही एक क्लासमेट साक्षी सिंह रावत से उत्तराखंड में शादी कर ली। महेंद्र सिंह धोनी अपने धैर्य के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट ग्राउंड पर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हों, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी हमेशा अपने दिमाग को काबू में रखते हैं और टीम को साथ लेकर चलते हैं। भले ही दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अब टीम इंडिया के कैप्टन नहीं हैं, लेकिन टीम इंडिया के खेल में उनकी कैप्टेंसी की झलक दिखी जाती है। मुझे उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी को जल्द ही कैप्टनशिप दोबारा मिलेगी। अगर आप भी यही चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।